जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और आपका हमारे चैनल एक्सपेरिमेंटर वॉइस में स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक और ट्राइपॉड बना रहा हूँ। इसके पहले भी मैं दो ट्राइपॉड बना चुका हूँ, तो उसका लिंक यहाँ पे मैं आई बॉक्स और डिस्क्रिप्शन दोनों में दे दूंगा, तो आप वहाँ से जाकर उसे देख सकते हैं। और जो ट्राइपॉड पार्ट वन है, उस वीडियो को आप सभी लोगों ने बहुत ही ज़्यादा पसंद किया और आप सभी लोगों के लव और सपोर्ट की वजह से अभी उस पर 39,000 से ज़्यादा व्यूज़ है। तो प्लीज़ अपना लव और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें, और वो ट्राइपॉड वाकई बहुत अच्छा है। और जो ट्राइपॉड पार्ट टू है वो भी अच्छा है, बल्कि उसमें तो इससे भी ज़्यादा फीचर्स है, लेकिन बाद में मुझे फील हुआ उसे बनाना आप सभी लोगों के लिए थोड़ा क्या है, मुश्किल है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैं ये ट्राइपॉड बना रहा हूँ जो आज का है। मतलब ये जो आज का ट्राइपॉड है, ये मैं पार्ट वन से इंस्पायर होकर बना रहा हूँ, लेकिन क्या है कि इसमें जो भी थोड़ी बहुत कमियाँ थी पार्ट वन में, मैंने इसमें उसे ख़त्म किया है। आप कह सकते हैं कि इस ट्राइपॉड को मैंने थोड़ा अपग्रेड किया और उसके कंपेरिजन में ज़्यादा एडवांस, ज़्यादा स्टेबल और ज़्यादा मजबूत भी बना है। और इसको बनाने के लिए मैंने उससे भी ज़्यादा आसानी से मिलने वाली चीज़ों का इस्तेमाल किया है और पूरी तरह से इसे एकदम आसान बनाने की कोशिश की है, ताकि अगर आप में से कोई भी इसे बनाना चाहे तो आपको थोड़ा भी मुश्किल ना, आप इसे बहुत ही आसानी से बना लें। और कुछ चीज़ें जो मैं पार्ट वन में आपको नहीं बता पाया था, इसमें मैं आपको अच्छे से स्टेप बाय स्टेप बोलकर समझाऊंगा, क्योंकि पार्ट वन में मेरी वॉइस नहीं है। तो प्लीज़ दोस्तों, वीडियो को पूरा और लास्ट तक देखिएगा, ताकि आपको चीज़ें और भी अच्छे से समझ में आ सके। और इस वीडियो को बनाने में मेरी बहुत ढेर सारी मेहनत लगी है, तो प्लीज़ दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना ना भूले, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल से ना भूले, ताकि आप हमारे आने वाले डिफरेंट एंड यूनिक वीडियोज़ को मिस ना कर सके। सो गाइस, थैंक यू। इस वीडियो में मैंने जितने भी पाइप का इस्तेमाल किया वो सभी इलेक्ट्रिकल पीवीसी पाइप हैं। ये जो पाइप है 1 इंच चौड़ा और 2 फीट लंबा है। ये भी 2 फीट का है, लेकिन इसकी चौड़ाई जो है 0.75 इंच है। ये वाला 1 फीट लंबा और 1 इंच चौड़ा है। ये वाला 5 इंच लंबा और 1 इंच चौड़ा है। यहाँ पे मैंने 8 साइकिल स्पोक्स, मतलब साइकिल की 8 तिल्लियाँ यूज की। ये एक गैस पाइप क्लैंप और 2 नट बोल्ट। यहाँ पे मैंने 4 ईंटों का इस्तेमाल किया, आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से। और आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने साइकिल की तीलियों का यूज किया है। ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसको हम कट कर लेंगे कुछ इस तरह से। और इन तीलियों को हमें जो 1 इंच चौड़ा और 2 फीट लंबा पाइप है उसमें फिक्स करना है। आप देख सकते हैं ये इसमें एकदम अच्छी तरह से फिक्स हो गया है। और अब हम GI वायर की मदद से जो हमारी ये 4 तीलियां बची हुई हैं इसको हम इस मैनर में बांध देंगे। और ये जो तीलियों का एक्स्ट्रा पार्ट है इसे हम काट करके अलग कर लेंगे कुछ इस तरह से। और अब देखिए ये चारों ईंट के बीच में एकदम अच्छे से सेट हो जा रही है। और अब हम कोई सा भी प्लास्टिक इसके नीचे लगा देंगे कुछ इस तरह से। और अब हम सीमेंट बालू और जो छोटी वाली गिट्टी होती है उसका मिक्सचर इसमें डालेंगे। और जो ये मिक्सचर का मैंने रेशियो यूज़ किया, ये 2:1 बालू, 2:1 गिट्टी और 1:1 सीमेंट। अब हम इस तरह से थोड़ा सा मिक्सचर डालने के बाद अब ये जो है इसको हम इस तरह से यहाँ पे फिक्स करेंगे। अब हम मिक्सचर इसके ऊपर डालेंगे, ताकि ना ये ज़्यादा ऊपर ही रहे ना ज़्यादा नीचे रहे, बीच में ही बना रहे। और इसके ऊपर भी हम मिक्सचर जो है एकदम अच्छे से डाल देंगे कुछ इस तरह से। अब हम इसको सेट होने के लिए कम से कम 24 घंटे के लिए छोड़ देते हैं। यहाँ पे मैंने 2 फीट लंबी और 0.75 इंच चौड़ी वाली पाइप ली है। इसके दोनों तरफ होल किया है कुछ इस तरह से। ये जो पाइप है 1 फीट लंबी और 1 इंच चौड़ी वाली है। हम इस डिज़ाइन में पाइप को कट कर लेंगे और होल दोनों साइड कर लेंगे, जैसा कि हमने पाइप के दूसरे साइड किया है। कट करने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा। यहाँ पे मैंने सेम चौड़ाई का 2 पाइप लिया है। क्या करना है कि मुझे 1 का मुंह हल्का सा चौड़ा करना है, तो मैं ये प्रोसेस उसी के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि इसी प्रोसेस की मदद से मैंने एक चौड़े मुंह का पाइप आगे यूज़ किया, तो मैं सोचा कि आपको ये बता देता हूँ। तो आप ये देख सकते हैं कि 1 पाइप का मुंह चौड़ा हो चुका है। मैं इसी पाइप के बारे में बात कर रहा था, इसका भी मुँह मैंने चौड़ा किया पिछले वाले प्रोसेस की मदद से। यहाँ पर हम दोनों साइड होल कर लेंगे कुछ इस तरह से। और ये जो डिज़ाइन जैसा हमने एक और पाइप में कट किया था, सेम यहाँ पर भी कट कर लेंगे कुछ इस तरह से।
तो अब आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये जो सबसे मेन पार्ट है इसके ऊपर का हेड बनाना ही है। और ये जो मैंने डिज़ाइन ड्रॉ किया है, ये आप अपने फ़ोन के डायमेंशन के हिसाब से ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, मैंने अपने मोबाइल फ़ोन के डायमेंशन के हिसाब से ड्रॉ किया है। और जो हमने जो मोबाइल फ़ोन के डायमेंशन का डिज़ाइन ड्रॉ किया था, उसे हम बहुत ही केयरफुली कट कर लेंगे कुछ इस तरह से। और अब आप देखिए, मैं अपना मोबाइल फ़ोन इसके अंदर लगा रहा हूँ कुछ इस तरीके से। और देखिए, ये लग चुका है। और इसे मैं कितना भी शेक कर लूँ, किसी भी तरीके से ये नहीं निकलने वाला है इसके अंदर से। अगर आप एक ही मोबाइल फ़ोन यूज़ करेंगे तो अब आपको आगे वाले प्रोसेस की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आप ज़्यादा सेफ्टी चाहते हैं, तो अगर आप डिफरेंट मोबाइल फ़ोन यूज़ करना चाहते हैं जिसका ब्रेथ क्या हो कम हो, तो आपको आगे वाला प्रोसेस करना पड़ेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें मैंने दो होल किया, और जो मैंने होल किया उसका पोजिशन आप अच्छे से देख लें। यहाँ पे मैंने एक 0.75 इंच चौड़ा छोटा सा पाइप लिया और उसे कट किया कुछ इस तरह से। और इसमें भी मैंने दो होल किए, इसका भी पोजीशन आप अच्छे से देख लें। यहाँ पे देखिए, मैंने एक नट और कुछ रबर लिया है। आप इससे थोड़ा बड़ा रबर यूज़ करिएगा, मुझे मिल नहीं पाया यहाँ पे, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से पूरी दुकानें बंद है। बड़ा रबर क्या है कि थोड़ा ज़्यादा मजबूत रहेगा। और अब हम क्या करेंगे, इस रबर को इसके अंदर फिक्स कर देंगे इस नट बोल्ट के साथ। तो रबर इसके साथ भी लगा लेने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगा, और ये दिखने में भी काफ़ी अट्रैक्टिव है। आप देख सकते हैं कि मोबाइल फ़ोन लगाते समय जो रबर है मोबाइल फ़ोन में टच नहीं करेगा, मतलब आप मोबाइल फ़ोन अपना बहुत ही आसानी से इसमें लगा लेंगे, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। और अब हमारा ऊपर का हेड, जिसे माउंट भी कहते हैं, ये पूरी तरह से तैयार हो चुका है। यहाँ पे मैंने 5 छोटे रबर का इस्तेमाल किया, ये उसी से बहुत टाइट हो गया, मोबाइल फ़ोन को गिरने नहीं देगा। हाँ, लेकिन आप अपने हिसाब से जितना चाहे उतना रबर लगा सकते हैं। और जब हमें मोबाइल फ़ोन लगाना होगा, तो इसके ऊपर हम इसे खींच कर निकाल लेंगे कुछ इस तरह से, उसके बाद इसमें मोबाइल लगा लेंगे। मोबाइल फ़ोन लगा लेने के बाद हम इसको भी इसके जगह पर एज इट इज़ लगा देंगे। इसको लगाने के बाद तो आप मोबाइल फ़ोन के गिरने का चांस ख़त्म ही समझिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक तरह से डबल प्रोटेक्शन हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं एमसीला किस तरीके से इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप भी इसी तरीके से बहुत ही आसानी से इसे बना लेंगे। तो देखिए, ये भी बन चुका है, तो इसको अब हम 4-5 घंटे के लिए सेट होने के लिए छोड़ देंगे। और मैं जितने पार्ट्स आपको दिखा रहा हूँ, उसको हम सैंडपेपर की हेल्प से क्या कर लेंगे, रब कर लेंगे। इससे क्या होगा, इनके बीच का फ्रिक्शन बढ़ जाएगा और ये वर्क भी अच्छा करेंगे। रब करने के बाद इन दोनों को जो हमने बनाया था, इसको भी क्या करेंगे, इसके जगह पर लगा देंगे कुछ इस तरह से। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने एक पेपर का छोटा सा टुकड़ा लिया है, एक टुकड़ा मैंने यहाँ पे भी इस्तेमाल किया है। और अब हम इन दोनों जगहों पर ग्लूगन की मदद से ग्लू स्टिक भर देंगे कुछ इस तरह से। इससे क्या होगा कि ये मजबूत हो जाएगा। और देखिए, ये अप्रॉक्स 24 आवर्स के बाद क्या है कि पूरी तरह से सेट हो चुका है। तो इसे क्या करेंगे, हम निकाल लेंगे। और जो यहाँ पे बेस मैंने थोड़ा हैवी बनाया, इसको हैवी बनाने से क्या होगा कि हमें ज़्यादा स्टेबिलिटी मिलेगी। और अब हम इसे पेंट करेंगे। यहाँ पे मैंने ब्लैक पेंट का इस्तेमाल किया, आप अपने हिसाब से जो भी आपको कलर अच्छा लगे आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप चाहे तो पहले इसके ऊपर प्लास्टर करिएगा, उसके बाद पेंट करिएगा, वो आपके ऊपर। यहाँ पे मैंने डायरेक्टली इसके ऊपर पेंट कर दिया है। इसके ऊपर हम एकदम अच्छे से पेंट कर देंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं। और फिर हम पेंट सूखने के लिए कुछ देर के लिए इसे छोड़ देंगे। और देखिए, यहाँ पे हमारा पेंट भी सूख चुका है और ये काफ़ी अच्छा भी दिख रहा है। यहाँ पे हम देखिए छोटा सा कट करेंगे कुछ इस तरह से, आप देख सकते हैं। और अब ये जो गैस पाइप क्लैंप है, इसको भी हम इसके ऊपर फिक्स कर देंगे कुछ इस तरह से। यहाँ पे हम थोड़ा सा इलेक्ट्रिकल टेप लगा देंगे, इससे क्या होगा कि ये अंदर से स्टेबल रहेगा। देखिए, आप इसको टाइट करने के लिए किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले मैंने एक स्क्रू ड्राइवर लिया, उसके बाद मैं कॉइन से इसे टाइट कर रहा हूँ। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि हमारा ट्रैपॉड पूरी तरह से बनके तैयार हो चुका है। और जो इसका बेस है, इसको मैंने स्क्वायर इसलिए रखा है, इसका मोटो ये है कि इसकी मदद से क्या होगा कि हम कुछ और तरीकों से अपना फोटोज और वीडियोज शूट कर सकते हैं। तो
दोस्तों हमें आपकी सपोर्ट की जरूरत है, तो अगर आप वीडियो में यहाँ तक आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये ट्राइपॉड कैसा लगा। यहाँ पे आपको मैं मैक्सिमम तरीके बता दूंगा कि मतलब ये ट्राइपॉड आप किस किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि ये बहुत ही अच्छा वर्क कर रहा है और किसी भी डायरेक्शन बहुत ही फ्रीली मूव कर रहा है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना ना भूलें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल से ना भूलें, ताकि आप हमारे आने वाले डिफरेंट एंड वीक वीडियोस को मिस ना कर सकें। यहाँ पे जो ट्राइपॉड दिखाने वाला तीनों वीडियो क्लिप है, इसको मैंने फास्ट फॉरवर्ड इसलिए नहीं किया कि मतलब आपके अंदर थोड़ा भी डाउट ना रहे कि ये कैसे और किस तरीके से वर्क करता है। और यहाँ पे आप इसकी हाइट देख सकते हैं जो कि 5 फीट से भी ज्यादा है। एंड फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।